न्यूज जम्मू की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन है इलेक्शन स्पॉटलाइट 2024 श्रृंखला के तहत स्वीप जम्मू कश्मीर के हमारे जो नोडल ऑफिसर है, हैं श्री अख्तर हुसैन काजी साहब हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत आपका थैंक यू जम्मू कश्मीर में चुनाव है इंतखात हो रहे हैं ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार तो हमारे यहाँ तीन फेजेस में तीन चरणों में इंतारत हो रहे हैं पहला और दूसरा चरण जो है वो मुकम्मल हो चुका है और ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इसमें बड़ा अच्छा परसेंटेज है मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है महरा जो दूर दराज़ ज़िला किश्तवाड़ है वहाँ तो मतदाताओं ने बड़ी खासी तादाद में बड़े उत्साह जोश के साथ जज्बे के साथ मतदान में शिरकत की और लगभग बयासी से चौरासी फीसद तक भी मतदान जो है वो हुआ है और बड़ी अच्छी बात है और दूसरे जो हमारे इलाके हैं उनके लिए ये राह की तरह है तो स्वीप जो है जो एक तरीकाकार है हमारा जिसमें हम मतदाताओं को जागरूक करते हैं अवेयर करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदान में शिरकत करें आप चूंकि नोडल ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के तो ये जो स्वीप की आपकी गतिविधियां रही हैं जाहिर है आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया है जो कि काबिल तारीफ है तभी तो इतना मतदान हुआ है यहाँ पे। तो आप अपनी काविशों को किस तरह से अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे? थैंक यू रवि जी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सक्सेसफुल स्टोरी रही है लोकसभा इलेक्शन में भी और हमारे जो पहले दो फेज हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आए मतलब जैसे आपने जिक्र किया किश्तवाड़ का इवन श्रीनगर वैली में भी बहुत ज़्यादा लोग बाहर आए इवन uh, श्रीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है तीस परसेंट कश्मीर का वो वोटिंग भी बहुत ज़्यादा है अगर हम नस्बतान उसको मुकाबला करेंगे पिछले चीज़ों से स्वीप इलेक्शन कमीशन का बहुत एक फोकस एरिया रहता है जी। रहा है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के का जो सारा स्ट्रक्चर है वो इसी पे खड़ा है कि हमारा वोटर वोट करे जितना लोग वोट करेंगे उतना डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और वोट भी लोगों का बुनियादी हक हाँ है ये वो हक हाँ है कि जहाँ से वो अपनी चॉइस को पसंद मतलब जो दर्श, उनके दर्शाते हैं अपनी पॉलिसीज पे डिबेट करके सोचते हैं।, हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा बुनियादी राइट है हर जगह जहाँ भी और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम आ, दुनिया के आ, बेस्ट डेमोक्रेसी हैं अदरवाइज भी जो डेमोक्रेसी है वो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही दुनिया ने देखी लेकिन हमारी सिविलाइजेशन में भी हमारे कल्चर में हमारी संस्कृति में भी ये चीज़ ऑलरेडी है हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी से हैं भले ही कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे हिस्ट्री में लेकिन आ, सारे लोग हम बड़े चुनाव हुए उसमें तो एक विश्व बना इतनी तादाद में लोग आप हैरान हो जाएंगे जो ये सेकेंड फेज हुआ हो हमारा वैली का सोलह मुल्कों से लोग देखने आए थे इलेक्शन जे एंड का इलेक्शन कैसे होगा इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है तो लोकसभा में अभी तेईस कंट्रीज से लोग आए थे तो कहने का मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा जो असासा है सबसे बड़ा असर जो है वो डेमोक्रेसी ही है तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्शन कमीशन के यहाँ एक स्वीप डिवीज़न होता है स्टेट लेवल पे भी यूटी लेवल पे भी जो हमारा है नोडल अफसर मैं देखता हूँ इसको तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आदेश हैं और सी साहब जो हमारे हैं बोले सर उनकी जो मेट्रिकुलस uh, अप्रोच है और स्वीप को जो उन्होंने जो आप भी एक सक्सेस स्टोरी की तरह देख सकते हैं उसकी शुरुआत uh, हमसे जो कराई गई वो इस तरह से करी पहले हमने एक सर्वे किया जी। जिसको कैप सर्वे के नाम से जाना जाता है नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस समाज में uh, क्या हो रहा है उसकी एक सर्वे कराई हमने डायरेक्टेड स्टेटिक्स एंड एवेल्यूशन से उससे हमें पता चला कि किस किस हमारा जो स्वीप है हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कितना सोसाइटी के निचले तबका तक जाता है तो उसकी परसेंटेज निकल आती है कि इस परसेंट के लो लोग में इतनी जागरूकता है फॉर uh, एग्जांपल कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है उसमें इतनी जागरूकता है एटी प्लस के जागरूकता इतनी है यूथ्स में इतनी है तो लेबर्स में इतनी है इंडस्ट्रियलिस्ट में इतनी है सभी तबकों के बारे में हम जानकारी लेते हैं पहले तो पहला काम हमने वो किया जो रिक्वायर्ड uh, होता है इलेक्शन कमीशन के नाम के मुताबिक उसके ऊपर फिर स्वीप प्लान बनाया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया डेफिनेटली सोसाइटी को आप जानते हैं जे के एक थोड़ा सा पैकुलर स्टेट रहा है बहुत लंबा है, हमारा हिस्ट्री है बदकिस्मती से हमने थोड़ा भी, भी, भी टफ है, है, है। तो। सोशोलॉजी भी इतनी डिफरेंट है कि हर आ, बीस पच्चीस किलोमीटर के बाद डायलेक्ट बदलता है कश्मीर रीजन डिफरेंट है जम्मू रीजन डिफरेंट जम्मू में इन और चीज़ें कश्मीर मौसम की भी चुनौती एग्जैक्टली मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो इलेक्शन कमीशन ने एक पर्टिकुलर फेजिज़ में इसको करने के आदेश दिए जो हमारा स्वीप का था सर स्वीप में हमने आ, इस बार आ, थोड़ा अपने हिसाब से आर्गमेंट करने की कोशिश की बड़ी तरीकों से पहले तो जो हमारे मॉडर्न तरीके रहते हैं उन सभी चीज़ों को एम्प्लाई किया गया मतलब इस्तेमाल किया गया आ, हमने जो जेंड के में ग्यारह ये चैनल हैं हमारे एफ एम्स एफ एम्स को पूरी फुली हमने यूटिलाइज़ किया उनकी सर्विस जिंगल चलाए मैसेजेस दिए ये आयर मैसेज जितने गए वो उसके अलावा आ, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स तो उन्होंने भी हमारी हेल्प की क्योंकि सोशल मीडिया exactly. एग्जैक्टली जिम्मेदारी हाँ क्योंकि वो उनका भी रोल रहता है उसमें उसके अलावा भी उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइडर्स ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स ने हमें हेल्प की तो हमने उनको जैसे जैसे मैसेज बना के दिए वैसे, वैसे वैसे वो एक एक घर को यानी एक करोड़ सवा करोड़ आबादी को एक एक फर्द को मैसेज आता है आपको भी आया होगा <laughs> कि वोट कीजिए आपका अपना नज़दीकी ब्यालों से रबता कीजिए अपने फेस पे अपने टर्न पे वोट कीजिए ये मैसेज आपको भी आया तो ये एक एरियल तरीके से जो किया गया सोशल मीडिया में बहुत बड़ी कंपेन की गई उसमें हमारी नोडल अफसर सोशल मीडिया की एक्सक्लूसिव सपना कोतवाल जी हैं उन्होंने इस पर बड़ा अप्रिसिएशन वाला काम किया तो सोशल मीडिया हमारे जितने भी अपने हैंडल्स हैं उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के भी हैंडल्स हैं जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं एजुकेशन है उन सब को उन सब ने भी बहुत सपोर्ट किया पार्टनरशिप डिपार्टमेंट आकाशवाणी और, और दूरदर्शन ने तो और के आपके जो आकाशवाणी हैं पाटकसर हैं जो हैं उन्होंने तो उनके साथ तो हमारा एम भी हुआ उन्होंने बहुत ज्यादा उसमें काम किया उसमें दो राय नहीं है क्योंकि जहाँ आपका एक्सेस है वहाँ डेफिनेटली आपके जरिए मैसेज और आपने एक डेफिनेटली सीरीज जो इलेक्शन कमीशन से भी चल रही थी फिफ्टी टू वीक्स की वो भी चलाईलाइट दो हजार चौबीस लाइट कंटिन्यूसली चल रहा है तो उससे भी आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे आपकी व्यवरशिप पे तो वो भी चला सोशल मीडिया एक इम्पेक्ट अपना रखता है तो वो हर फर्द तक वैसे भी जाएगा कल्चरल हाउसेज़ को हमने आ, रखा पांच छह कल्चरल हाउसेज़ जो हैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो नाटक नुक्कड़ फोक डांसेस फोक सॉन्ग्स वग़ैरह में काम करते हैं उनके ज़रिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट डिस्टिक हेडकोार्टर पर असम्बली क्वार्टर पे ये मैसेज नुक्कड़ नाटक ड्रामा स्ट्रेट प्ले से भी शो किया। उसके अलावा सर जो मेजॉरिटी में हमने आ, मतलब आ, लिया क्योंकि हमारा जो 18 18 प्लस 29 18 और 29 एज का जो ग्रुप है उसमें हमारा बहुत ज्यादा वोट है जी, जी। यंग वोट है और काफी ज्यादा है और बर, इसमें भी जो 30 परसेंट के अलावा है 30 परसेंट के आसपास है यंग वोटर्स, जिन्होंने हाँ। जिन पहली बार इसमें शिरकत की है जहाँ अभी जो थर्ड फेज है हमारा कल कल करेंगे कल करेंगे हाँ, हाँ, होने जा रहा दे है जिन्होंने उसमें भाग लेना है वो बड़े उत्सुक होते हैं उसमें हमने ए की डायरेक्शन के मुताबिक और सीएसआर की डायरेक्शन के मुताबिक हमारे पास कोई आठ क्लब्स हैं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स वो हमने बनवाए हैं हा, हाई सेकेंडरी लेवल पे हैं कॉलेजेस लेवल पे हैं कोई आठ हज़ार लग, है लगभग हर हायर को कवर किया उसमें उसमें स्कूलों स्कूलों में उस में, उस में, में एक्टिविटी फोकस्ड होती है डेमोक्रेटिक रूम का नाम से एक रूम डिजिनेट किया गया डेमोक्रेसी वॉल के नाम से आ, वो सिग्नेचर मोमेंट चलाने के लिए वो किया गया दरखत लगवाए गए स्पेशली हर स्कूलों में आपने देखा होगा ये आपके लिए शायद खुशाइन बात भी हो गई कि पिछले 20 दिन में एक लाख सवा लाख के आसपास प्लांट्स हमने इलेक्शन के इसमें लगाए इलेक्शन को ग्रीन बनाने के और जब ये अवेयरनेस चल रही थी तब रेनी सीजन भी था रेनी सीजन भी था अप्रोप्रेट सीजन भी था, सीजन भी था। और प्लांट्स लगाए गए और बड़े पैमाने पे लगाए गए एक लाख प्लस प्लांट लगाए गए और हमें उम्मीद करते हैं अभी कल दिन में और भी इसमें ऐड हो जाएगा जी जी। एक सवा लाख के आसपास प्लांट्स लगाए गए अभी तक तो ग्रीन इलेक्शन का भी एक वो भी स्वीप का एक हिस्सा था कैंपेन रही उस पर भी उसके अलावा सर जो ई की मैं बात कर रहा था तो हर स्कूल कॉलेज में डेडिकेटेड ए आर रखा गया था ऑफिसर्स था वो सिर्फ इस पर्पस के लिए था कि स्कूलों और कॉलेजों में स्वीप को आगे बढ़ाए उसके अलावा सर ई एल सीज़ का इंचार्ज स्पेशल रखा गया जो कॉलेज का प्रिंसिपल ने जो रखना था प्र, प्रेफरेबली वो सोशल साइंस के प्रोफेसर थे या टीचर लेक्चरर साहिबान थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया और आप देख रहे हैं कि हम इन्हीं से ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं क्योंकि उत्साहित भी होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस भी है और आ, समाज का जो 18 से उनतीस के दरमियान जो एज ग्रुप है कम तो से कम हमारे जे के में 30 परसेंट वोटिंग उनका है, जी, है। जी। तो और ये ना सिर्फ काजी साहब खुद वोट करने के लिए उत्सुक रहते हैं बल्कि दूसरों को भी साथ लेके उनका एक जब हम एक हायर सेकेंडरी में कोई प्रोग्राम करते हैं वो जी, उन 500 बच्चों में मैसेज नहीं जाता वो 500 फैमिलीज में जाता आ, है आ, आ। जब वो 500 फैमिलीज में जाता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन और भी आ, बढ़ता है एक तो सर ए को हमने एक्टिवेट किया उसके अलावा सर उससे भी एक फायदा हुआ शायद वोटर टर्नआउट में बैग एक कॉन्सेप्ट है ईसीआई का बूथ अवेयरनेस ग्रुप उसमें जो आ, ये जो हमारा पोलिंग स्टेशन है उसके एर, एरिया ऑफ जोरिडिक्शन जो है मतलब जो उसके वोटर हैं उस एरिया में जो भी सरकारी अधिकारी है फ्रंट लाइन वर्कर चाहे वो आ, आंगनवाड़ी वर्कर हो सकती है जीआरएस हो सकता है एच हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का लास्ट हुँ। वर्कर हुँ। जो होगा उस एरिया में वो एक ग्रुप ऑटोमेटिकली है उसको एक्टिवेट किया गया उसका सेक्रेटरी बी होता है वो मीटिंगें लेते हैं और वो अवेयरनेस देते रहे जी, लोगों को जी, जी. जो एक मतलब जिसको हम बोलेंगे अन टू द लास्ट जी. लास्ट तक मैसेज देने का ये एक डोर टू तो डोर उस बेलो बेलो के जरिए और उनके जरिए मैसेज ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ज्यादा ही बुजुर्ग हैं वरिष्ठ नागरिक हैं जो चलने में थोड़ा असमर्थ हैं नहीं आ सकते हैं तो अब ये उनको भी जागरूक किया गया कि आप तो अपने घर बैठे इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इलेक्शन um, में पहली बार और जेंट के में दूसरी बार क्योंकि हमने लोकसभा में भी ये किया जी। तो ये पहली बार प्रैक्टिस हुई पिछले इलेक्शन में लोकसभा में और हमारे यहाँ जेंट के में असेंबली में भी अब हो रही है पहली बार दूसरी बार नॉर्मली हम बोल सकते हैं इसको कि वो बंदा जो चालीस से ज़्यादा डिसबिलिटी रखता है या किसी कारण इमोएबल नहीं है आ, या एटी फाइव से एबो जो लोग हैं जो नीचे है। तो उनको फैसिलिटी है होम वोटिंग की और आपने देखा होगा कि घर घर लोग जाते हैं स्टाफ जाता है पुलिस जाती है और वही एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है जैसे उस घर में प्रॉपर वो कंपार्टमेंट उसी के घर में लगता है और वो वोट अपना का, कास्ट करता है तो ये, आ, ये ये इसका भी तभी जाक हाँ, जाकर ये वो आपने देखा भी भी होगा और जो जिन्होंने पोलिंग हाँ, वो वो सर हमारा एक स्पेशल फोकस है उसका नाम ही इलेक्शन कमीशन की उधर से गाइडलाइन में accessible election, जी जी के, accessible and inclusive action, कोई भी छोटे ना कोई हैंडी है कोई ना खास था कोई ओल्ड uh, एज है कोई uh, कोई स्पेशल ट्राइब है कोई पार्शली वर्नेबल एरिया है कुछ भी है। mm. सभी का ध्यान रखा गया मतलब पी डब्ल्यू के लिए ज़्यादा फोकस दिया गया क्योंकि उनके लिए हर स्टेशन में रैंप्स प्रॉपर बनवाए गए व्हील चेयर का अरेंजमेंट हर व्हील हर पोलिस स्टेशन पे है व्हील चेयर अवेलेबल की गई नॉर्मल जो एज ह्यूमन बींग फैसिलिटीज़ है वो तो है ही है लेकिन अगर पी डब्ल्यू डी से पर्सन विद डिसबिलिटी कैटेगरी का कोई वोटर होगा उसको उसका नॉर्मल क्यू में नहीं रहना है जी वो क्यू तोड़कर वोट डालेगा और उसके लिए वहाँ सपोर्ट सिस्टम भी है उसका कोई वॉलेंटियर उसका हाथ पकड़ने के लिए वहाँ है आ, ये सारे ध्यान रखा गया है उसका आ, अगर मतलब मान लो वोटिंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट का अरेंजमेंट है बैठने का है पानी का है जो भी ह्यूमन फैसिलिटीज़ मिनिमम चाहिए वो सारी तो असेसिबल और इंक्लूसिव इलेक्शन में सर एक तो नॉर्मल वोटर तो है हमारा वो तो है तो इंक्लूसिव और असेसिबल इलेक्शन असेसिबल तो फैसिलिटीज़ वाला पार्ट है इंक्लूसिव में कोई भी ना छोटे ट्रांसजेंडर हो उनके लिए हमने आइकन्स रखेंगे हमारे जे के में टू प्लस नंबर थोड़ा कम ही है लेकिन उनका भी एक आइकन है वो अपने आ, एज ग्रुप को अपने कैटेगरी को अपील करता है तो हमें हर कैटेगरी के मतलब यूथ आइकन अलग से हैं हमें बॉलीवुड के आ, कुछ लोग हैं जी जी। वो अपील आइकन हैं स्पोर्ट्स हैं एथलीट्स हैं, हैं म्यूजिशियन हैं आर्टिस्ट हैं हर तरह के लोग उसमें तो अपने अपनी कैटेगरी को रिक्वेस्ट करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा असर रहा लोगों को स्वीप के द्वारा पूरी तरह से जागरूक किया जाता है आप आइए ये हमारा फर्ज है हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल देश के लिए समाज के लिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तरह से तो अपने फ्राइज को ना सिर्फ हम ये बात करें कि हमारे हक हाँ हकूक क्या है एक तो सर ये रहा ना ये जो ये वाला सवीब जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ ये जर्नल सा सफीप है फिर इस पर भी सब कैटेगरीज हैं फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे एम्प्लॉज लोग हैं जो गवर्नमेंट मुलाजिम लोग हैं उनके लिए भी एक स्पेशल सा ग्रुप है वी एप बोलते हैं उसको वोटर अवेयरनेस फॉरम वो सिर्फ एम्प्लॉज क्लास में अवेयरनेस देता है कि वोट करना जरूरी है जी, जी जी हाँ फिर ट्राइबल ओरिएंटेड स्वीप डिफरेंट है उनमें ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल तरह के गाने लैंग्वेजेस उन्हीं के आइकन बनाना उनको समझ में आए जो उन्हीं के लैंग्वेज में उनको समझ आए हर आ, लोकल लेवल पे हमने छोटे छोटे गाने बनाए छोटे छोटे वीडियोस बनाए मतलब जैसे हमारे एरिया में भद्रवही है शराजी है पाड़री है या पहाड़ी है पुन में गोजरी है डोगरी है अपना डोगरी तो शायद फुलफिलज लैंग्वेज है कश्मीरी है कश्मीर में भी डिफरेंट तरह के हैं हंगुरेज में डिफरेंट है उस तरह से तो हर लैंग्वेज में हमने मैसेजेस देना स्टार्ट हो गया प्रिंट मीडिया तो, तो नॉर्मल से एक था उसके अलावा सर हमने पुरानी चीज़ें जो थी हमारी रिवायत जो थी हिस्टोरिकल जो हमारी चीज़ें हैं जैसे सर हमारे जो उधमपुर है उधमपुर वो जो कल्चरल यूनिक तरह का वो उनका इंफॉर्मेशन जैसे हम फोक एक्टिविटीज़ कश्मीर में आ, एक यूनिक एक्टिविटी चलती है वो आपने खुद भी कहीं देखा होगा ट्रेडिशनली वहाँ गांव में एक बंदा एक पर्टिकुलर वो बजाता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है और थोड़ा सा वो पोइट्रिक भी रहता है म्यूजिक भी रहता है थोड़ा सा लड़ीशा के नाम से उसको बोलते हैं बाड पत्थर भी आपने नाम सुना होगा वो म्यूजिशन की शक्ल में वो इंफॉर्मेशन जैसे ये बात भी आती है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वोकल द लोकल वोकल लोकल वोकल एग्जैक्टली exactly. असल में यही कॉन्सेप्ट उसकी वजह से अवेयरनेस क्योंकि सर आ, हर एक की अपने एक लिमिटेशन है स्टेट लेवल पे हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान की मीटिंग से पोले सर ने ले ली सभी डिपार्टमेंट्स के मतलब इवन उसमें हायर एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है हमारे सारे के सारे पोलिंग स्टेशन उन्हीं के उसमें स्कूलों में स्टाफ भी ज़्यादा उन्हीं का रहता है तो ए को बी बै, बैग को वी एफ को एक्टिवेट करके अवेयरनेस दी गई उसके अलावा ट्रेडिशनल सर कुछ चीज़ें यूनिक एक्टिविटीज़ भी की गई जैसे हमारे रियासी में कैंडल मार्च हुआ इवनिंग कैंडल मार्च जी, जी, स्वीप जी, में हुआ डिस्टर्ब ने किया वो तो वो एक यूनिक चीज़ थी वैली में बोट रेसेस हॉर्स रेसेस अम्ब्रेला मार्च ह्यूमन चैन इग्लो, जी मतलब इग्लो क्रिएशन और आ, बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखा तो है यही चीज़ें उत्साह देती हैं हाँ जो इलेक्शन कमीशन का भी मोटो था इस टाइम एक तो डेमोक्रेसी बराई डेमोक्रेसी तो चलती है लोग आते हैं वोट करते हैं दिस टाइम ऐसा नहीं हुआ हाँ पूरा जोर सर ई से और पुलिस सर से यही उनका वहाँ हमें बताना था और डायरेक्शन थी कि इसको फेस्टिवल की शक्ल दे दो ये खाली और वैसे भी एज मतलब मैं पर्सनल ओपिनियन इसमें बता दूंगा कि हमारी होली है ईद है और भी बहुत सारे त्यौहार हैं सबसे बड़ा त्यौहार अगर हमारा है कोई वो इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता मतदान से कर मत कर, हाँ देश का पर है देश का गर्व जी जी अब एक चीज़ कल सब आपने भी देखी होगी अपने त्यौहार की बात की कि हमारे गांव देहात ये देखने में आता है कि ज़्यादा तादाद में वोटर्स पूरे नए लिबास में अपना जो उनका आ, ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहन के एक दूसरे को आवाज लगा करके तो वो इकट्ठे होके आप हैरान हो जाएंगे रवि जी के आ, पोलिंग डे पे पूरा टाइम निकाल के दुल्हे ने आ, पहले वोट को तरजीह दी फिर अपने वो अपने शादी, जो शादी वाली चीज़ें बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास तो दुल्हन ने पहले वोट करने आई फिर वो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि लोगों ने होम वोटिंग नहीं की इसलिए क्योंकि हम हटे कटे हैं डेमोक्रेसी है हमें बहुत तक जाना है हाँ। वो भी एक गारों का उनको उनमें था वो कि नहीं जी हमें वोट करना है ठीक है हमारे पास हिम्मत नहीं लेकिन हम चलेंगे आज तो ये रियली एक उत्साह था स्वीप के तहत अगर हम अपने ज़िला जम्मू की बात करें सांबा की बात करें कठुआ की बात करें या उधमपुर की बात करें यहाँ पे भी बड़े जोश खरोश के साथ जोशो जज्बे के साथ स्वीप की एक्टिविटीज रही। सर हमने पूरी स्टेट में कोई जगह नहीं आ, पूरा हमारा जो शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बिल्कुल हमने कोई हम थोड़ी चाहेंगे कि फलानी जगह ये हो ये हो लेकिन हमने पूरा इसमें डीसी डिस, साहिबान ने डीसी लेवल पे पूरा सारा फोकस किया उससे नीचे आर ने अपने एरिया में फोकस किया लेकिन इस बार मुझे जो लगता है कि स्वीप का मैसेज हर गांव गांव तक नुकड़ नुकड़ तक पहुंच गया कि वोटिंग करनी है और ज़रूरी करनी है और करनी चाहिए जी 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 अब जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जिम्मेदारियां होती हैं सबकी तो उसमें जो उम्मीदवार हैं उनको भी थोड़ा सा बताया जाता है कि किस तरह से जब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना सर, है सर हमने पॉलिटिशियंस की मीटिंगें की सेव सर के चेयरमैनशिप में उसके बाद दूसरे फेज पे जो उनके एजेंट्स होते हैं उनको ट्रेंड किया फार्म कैसे भरना है आपने कंपेन किस तरह की करनी है आपको बोलना क्या है वो ब्रोचर दे दिए किताबें दी ट्रेनिंग दी उनको कि आपने क्या करना है क्या बोलना है शायद इसीलिए देखते होंगे आपके गलती के बहुत सारे काम आप, आपके पास भी न्यूज़ बहुत कम आई होगी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ जहाँ हुआ वहाँ तो डेफिनेटली वो लोग कि ऑफिसर बुकते चाहे मॉडल कोड ऑफ की जिसने वायलेशन किया वो तो इस करेगा लेकिन कोई बड़े पैमाने पे नहीं हुआ समझ जा रहा है अब जैसे प्रचार प्रसार अभी तो खैर ये प्रचार प्रसार का बंद हो गया है अब तो कल तो हमारा अंतिम चरण का काल है। तो लेकिन फिर भी, भी चलो ये चीजें तो आगे तक चलनी है नहीं ये तो प्रोसेस है ना, जब है ना ये तो, तो, तो मतदान के दौरान जैसे कि कोई धर्म विशेष की बात ना करे कोई जहां जहाँ भी किसी ने करी उसको तुरंत इसी की तरफ से नोटिस गई जी जी उसको पूरा बताया गया क्यों हुआ कैसे हुआ पूरा का पूरा तुरंत कमीशन और सी ऑफिस

और वहाँ से हंड्रेड घंटे के आसपास उसका रिड्रेसल होगा हम्म वो मैकेनिज्म। अब जितनी आपने कोशिशें की हैं सर। अब जैसे कल हमारे अंतिम चरण का मतदान है और इसमें चालीस सीटों पर मतदान होने जा रहा है तो जिस तरह की आपकी कोशिशें रहीं प्रयास रहे मुहिम आपने छेड़ी लोगों ने आपको सहयोग दिया आ, कितनी तववात आप रखते हैं आप वोट वोटर की बात करेंगे हम तो जम्मू रीजन में थोड़ा ज़्यादा रखते हैं जम्मू में हम तो क्योंकि मौसम भी तो, साजगार है हाँ जम्मू में जम्मू के आसपास हमें तो आ, 75 फाइव से एटी तक इवन एटी भी कहीं जगह क्रास जी, होना जी। चाहिए तो वैली में भी जो हमारे तीन डिस्ट्रिक्ट अभी पेंडिंग है वो भी मुझे लगता है सिक्सटी फाइव के आसपास होने चाहिए आप चूंकि नोडल ऑफिसर हैं स्वीप के जम्मू कश्मीर के जो कुछ आपका अनुभव रहा है उसके मुताबिक आप मन में सोचते होंगे कि कुछ और चीज़ें शामिल हों ये ये भी हो तो और अच्छे नतज सामने आ सकते हैं देखो जी रवि जी ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता क्या है कि मान लो इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा वोटर टर्न आउट वोट हुआ ठीक दूसरा इलेक्शन मान लो पाँच साल के बाद होना है बहुत सारी है, हमने मैं थोड़े दूसरी स्टेट्स की भी एक मिनट के लिए आपको एग्जाम्पल बताऊँ आ, हमें पिछले टाइम राजस्थान इधर राजस्थान में भेजा गया था वहां एक छोटी एक से गांव में वोट नहीं करना है उनने सब पार्टी को रिजेक्ट किया हमने वोट ही नहीं करना है तो आ, वो तो एक लोगों का अपना भी एक तरीका है सोच जागरूकता जागरूकता मतलब वो तो उसी बार्गेनिंग पे आए ना कि फिर डीएम ने उनको एश्योरेंस दे दिया ये हो जाएगा तो वो आ, उसके बाद वो मान गए कि ठीक है जी कहने का मतलब ये है कि ये उतार चढ़ाव कंटिन्यू चलेगा क्योंकि सोसाइटी है आदमी है परमिट तो चीज़ें नहीं है लेकिन जो आ, मुझे लगता है अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल रखना है तो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की भी ज़रूरत है और इसमें ऑलरेडी इस ई सी आई उस पर है वो शायद मुझे लगता है उस पर काम भी हो रहा है नाइन्ेंथ के आनवर्ड से सिलेबस में और कॉलेजों के सिलेबस में आ, ये वो स्वीप को एक हिस्सा बनाया जा रहा है सो so दैट के जो स्वीप हम समझा रहे हैं वो ऑलरेडी बच्चों बच्चों ने पढ़ के आए होंगे तो वो उस पर काम हो रहा है और उस पर एम ओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पर हो चुके हैं उस पर काम चल रहा है सिलेबस डिज़ाइन कर रहा है ये पार्ट ऑफ सिलेबस होगा कि डेमोक्रेसी है स्वीप है वोट क्यों करना है वोट की इम्पोर्टेंस क्या है पार्लियामेंट क्या होती है कैसे चलती है तो ये सारी चीज़ें अदरवाइज नॉर्मल लेवल पर था लेकिन बहुत कम था अब साहब दूरदर्शन न्यूज़ का जो हमारा रीजनल न्यूज़ यूनिट है दूरदर्शन जम्मू का उसकी स्पॉटलाइट 2024 के इस प्रोग्राम के तहत जो लोग आपको देख रहे हैं आपकी बात सुन रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे जो कल का हमारा चरण जो दो फेजेस हो चुके हैं मैं उनका उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के और वो मुबारक के मुस्तक मुबारक के है। मुस्क हैं और उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया जो डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है वोट करके जो कल हमारा इलेक्शन होने होने जा रहा है चालीस सीटों पर चालीस हाँ। सीटों पर और लगभग उनतालीस लाख वोटर्स इसमें शिरकत कर उम्मीद करते हैं शिरकत कर, कर, कर रहे हैं जिसमें पैंतीस हजार के आसपास पीडब्ल्यूडीज़ पी डब्ल्यू डीज हैं ये हमारे ओल्ड एज भी बड़े हैं तो आ, मैं सभी तरह के वोटर्स को चाहे वो ओल्ड एज है चाहे वो यंग है चाहे वो पी है नॉन पी है किसी भी तरह का वोटर है हम आ, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आ, वोट वोट पक्का करेंगे और बड़े जोश खरोश से करेंगे और ये हमारा आ, एक सेकुलर सा त्यौहार है और हुँ. हमें अपने त्यौहार अलग कर हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार और हमें गर्व होना चाहिए कि हम आ, दुनिया की सबसे बड़, बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है तो हमारी अपील रहेगी सी साहब की तरफ से कि आप पक्का कल वोट बढ़ चढ़ कर करेंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं जम्मू है सांबा है कुठवा है उधमपुर है श्रीनगर में कुपवाड़ा है बारामूला है आ, एक सामने आए बढ़ चढ़ और बढ़ चढ़ कर बिल्कुल अख्तर हुसैन काजी साहब आप नोडल ऑफिसर हमारे स्वीप के जम्मू कश्मीर के आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल करके डी डी न्यूज़ जम्मू के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू